टेम्पल्स की हम बात करें तो टेम्पल्स के बारे में बड़े लोगों को दुविधा रहती है कि टेम्पल वास्तव में होना कहाँ चाहिए, पर टेम्पल्स वास्तव में हम लोग नॉर्थ ईस्ट में सजेस्ट कर देते हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट में सारे भगवान रखने सही है? नॉर्थ ईस्ट एक जगह है डिविनिटी की, नॉर्थ ईस्ट एक डिवाइन प्लेस है, और उस जगह पर अगर हम मंदिर बनाते हैं तो हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। पर अगर हम देवताओं की एनर्जीज की बात करें, या अगर हम बात करें कि जितने भी हमारे देवी देवताज हैं, वो हमें अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी लाइफ में अलग अलग इम्पैक्ट भी लेकर आते हैं। अलग अलग देवताज अलग अलग जोन्स के साथ रिलेटेड भी पाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन की, तो नॉर्थ ईस्ट जोन में वास्तव में शिव परिवार अगर रखा जाए तो वो सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में राधा कृष्ण जी की तस्वीर रखी जाए तो वो सबसे ज्यादा बेहतर रहती है। ईस्ट जोन की अगर हम बात करते हैं तो राम दरबार अगर वहां पर रखा जाता है तो वो बहुत ज्यादा बेहतर रहता है, एक व्यक्ति को फलित आभास देता है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट चूंकि एक नेगेटिव जोन है तो यहाँ पर हम कोई भी भगवान की तस्वीर को नहीं रखते। इसके बाद अगर हम साउथ ईस्ट जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम माँ लक्ष्मी की तस्वीर को हम रखते हैं तो हमारी जिंदगी में खूब सारा धन प्रवाह आता है। साउथ साउथ ईस्ट जोन की अगर हम बात करते हैं तो साउथ साउथ ईस्ट जोन में अगर हम पंचमुखी बालाजी की यानी कि हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं तो ये हमें अपनी जिंदगी में खूब सारा बल देते हैं। इसके बाद साउथ जोन वास्तव में यम का स्थान है, यहाँ पर भी हम किसी भगवान की तस्वीर नहीं रखते, लेकिन हाँ एक देवी माँ की तस्वीर यहाँ पर रिकमेंड की जाती है, बट वो तंत्र विद्या में यूज की जाती है इसलिए हम उसका भी वर्णन यहाँ पर नहीं करेंगे। साउथ साउथ वेस्ट की अगर बात करी जाए तो ये डिस्पोजल की एक्टिविटी की जगह है, यहाँ पर भी हम कोई भी भगवान की तस्वीर को नहीं रखते। साउथ वेस्ट नेतृत्व कौन है, ये वास्तव में हमारे पितरों का स्थान है तो यहाँ पर हम पितरों की तस्वीर रखते हैं, यहाँ पर भी हम कोई देवी देवता की तस्वीर नहीं रखते। वेस्ट साउथ वेस्ट माँ सरस्वती की जगह है, विद्या की जगह है, यहाँ पर हम सरस्वती माता की अगर तस्वीर रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। वेस्ट जोन में अगर आप विष्णु जी की तस्वीर रखते हैं, ये विष्णु जी की जगह भी है और वास्तव में अगर हम प्लैनेट्स के हिसाब से देखें तो ये शनि महाराज का स्थान भी है, तो यहाँ पर हम शनि महाराज की तस्वीर भी रख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग घरों में शनि महाराज की तस्वीर नहीं रखते, पर हम यहाँ पर अगर विष्णु जी की तस्वीर रखते हैं या गौतम बुद्ध की तस्वीर भी लगा देते हैं तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें फलित आभास देती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पर हम कोई भी तस्वीर नहीं लगाते क्योंकि ये डिप्रेशन की जगह है और मंदिर वास्तव में हमारे डिवाइन को, हमारे ब्रेन को कनेक्टिविटी देता है। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का स्थान है, यहाँ पर भी हम टेम्पल बना लेते हैं अगर हमें कई बार स्पेस नहीं मिल रही होती टेम्पल बनाने के लिए। यहाँ पर हम किसी भी भगवान की तस्वीर को रख सकते हैं, यहाँ पर हम अपने गुरुओं की तस्वीरों को भी रख सकते हैं। बात करते करते एक चीज और ध्यान में आई, जिन भी जगहों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर इनके अलावा जो भी आपके लाइव गुरुज होते हैं, दो तरह के भगवान आप अपनी जिंदगी में लोगों को देखते हैं, एक वो भगवान जो वास्तव में आपने कभी देखे नहीं, जिनकी आपने सिर्फ कहानियां सुनी है, वास्तव में जो सुपर नेचुरल एनर्जीज है, वास्तव में जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कान्हा जी की, हम बात करते हैं शिव भगवान की, हम बात करते हैं श्री रामचंद्र जी की, ये सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिनका एहसास हम जिंदगी में कर सकते हैं लेकिन हमने इन्हें कभी देखा नहीं। लेकिन जो लाइव गुरुज होते हैं, जिन गुरुओं को आप मानते हैं, उनकी तस्वीरें कभी भी ईस्टर्न वॉल पर नहीं होनी चाहिए, उनकी तस्वीरें हमेशा वेस्टर्न वॉल पर लगाई जाती हैं, यानी कि उनकी तस्वीर आप साउथ वेस्ट की तरफ लगा सकते हैं। उनकी तस्वीर के लिए जो सबसे उपयुक्त स्थान है वो वेस्ट जोन है, उनकी तस्वीर अगर आप नॉर्थ वेस्ट में भी लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। कई लोग पीर बाबा के चिराग लगाते हैं, पीर बाबा के चिराग लगाने के लिए भी वेस्ट जोन बहुत अच्छा होता है और वेस्ट की तरफ फेसिंग करके अगर आप चिराग लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है, ये कामदेव का स्थान है, यहाँ पर भी हम मंदिर नहीं बनाते और किसी भगवान की कोई तस्वीर नहीं लगाते। नॉर्थ की जगह कुबेर महाराज की जगह है, यहाँ पर अगर हम कुबेर महाराज को स्थापित कर दें तो हमारी जिंदगी में खूब सारा धन लेकर आते हैं और कुबेर देवता की तस्वीर हम नॉर्थ जोन में लगा सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो जगह है ये हमारी हेल्थ को गवर्न करती है और लॉर्ड धन्वंतरी वास्तव में जो विष्णु जी का अवतार थे, जो हमारी हेल्थ को गवर्न करते हैं और जो वास्तव में बहुत सारी सीक्रेटिव मेडिसिन के जानकार हैं,
समुद्र मंथन के द्वारा जब 14 रत्नों 14 चीजें 14 रत्न उत्पत्ति हुई थी, उस समय उन 14 रत्नों में से एक रत्न थे ये धन्वंतरी देवता। तो लॉर्ड धन्वंतरी की तस्वीर को या उनके एक आइडल को अगर हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा देते हैं तो ये हमारी हेल्थ को भी अच्छा करते हैं और ये उस देवता का स्थान है। तो देवताज में तो बहुत सारे देवताज आ जाते हैं, देवताज अलग अलग स्थानों पर हम रख सकते हैं, लेकिन जब बात आती है मंदिर की तो मंदिर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है नॉर्थ ईस्ट जोन, ईशान कोण, क्योंकि ये जगह वास्तव में हमें डिवाइन के साथ कनेक्ट करती है। इस जगह पर हम किसी भी भगवान की तस्वीर रखते हैं, किसी भी भगवान की मूर्ति को जब हम स्थापित करते हैं तो उन्हीं के आदर्श हमारे दिमाग में चलते हैं और उन्हीं के नक्शे कदमों पर हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि जो लोग कृष्ण भक्त हैं वो डाई हार्ड कृष्ण भक्ति ही है, वो उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हैं। आप उनके घरों में जाकर जब नॉर्थ ईस्ट जोन में देखोगे तो आप वहां पर कृष्ण जी की प्रतिमा को मुख्य रूप में पाओगे। बहुत सारे लोग आप देखोगे भोले बाबा के भक्त होते हैं, आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट जोन में वास्तव में भोले बाबा की तस्वीर या शिव परिवार की बड़ी प्रतिमा नॉर्थ ईस्ट जोन में उनके घर में लगी हुई होगी और वो लोग वास्तव में उन्हीं की फॉलोइंग, उन्हीं की टीचिंग्स और उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जगह वास्तव में उन्हें डिवाइन से कनेक्ट कराती है। तो मंदिरों की प्लेसमेंट के लिए आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, ईस्ट में हो सकता है, साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, साउथ साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, साउथ तक बना सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है जब भी आपको पूजा करनी है तो पूजा करते समय आपका जो चेहरा है वो प्रेफरेबली ईस्ट की तरफ हो। अगर ईस्ट की तरफ आप चेहरा नहीं रख सकते तो नॉर्थ की तरफ चेहरा रख लीजिए, लेकिन आपके पूजा करते समय जब आप घर में बैठकर पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय आपका चेहरा, जब आप इन जोन्स में मंदिर बना रहे हो तो आपका चेहरा प्रेफरेबली ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। इनके अलावा अगर आपको जगह नहीं मिलती तो आप अपने घरों में नॉर्थ वेस्ट में मंदिर बना सकते हो। आपका उस समय फेस फेसिंग अगर नॉर्थ की तरफ या वेस्ट की तरफ भी आ जाती है तो इट्स ओके, आपको बैड इम्पैक्ट्स नहीं मिलते पर आपको बहुत ज्यादा गुड इम्पैक्ट्स भी देखने को नहीं मिलते। आप नॉर्थ में मंदिर बना सकते हैं, नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके पूजा कर सकते हैं, ईस्ट की तरफ फेसिंग करके पूजा कर सकते हैं, आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी मंदिर बना सकते हैं, वहां पर भी आप नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके पूजा कर सकते हैं और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग करके पूजा कर सकते हैं। तो जो टेम्पल्स हैं इनको समझना और डिकोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में एनर्जीज क्या है जो हमें इंपैक्ट कर रही है। बस दो चीजों का मेजरली हमें ध्यान रखना पड़ता है, जब हम पूजा करते समय अपनी फेसिंग कहाँ कर रहे हैं, दूसरी चीज जो लाइव गुरुज हैं उनकी तस्वीरें हमें कभी ईस्टर्न वॉल पर नहीं लगानी, उनकी तस्वीरें हम नॉर्दर्न वॉल, साउदर्न वॉल या वेस्टर्न वॉल की तरफ लगा सकते हैं, इट्स ओके, बट ईस्टर्न वॉल की तरफ जो भी हमारे लाइव गुरुज हैं या हमारे पित्र हैं उनकी तस्वीरें कभी ईस्टर्न वॉल की तरफ नहीं लगाते।